एक बार फिर से तेरी मेरी सबकी बात में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मजदूरों की। वैसे मजदूरों की जब हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल यही बनता है कि मजदूर कौन है, क्योंकि समाज का यह एक ऐसा कैटेगरी है जिसको समाज के अंदर पहचानना, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। शायद यही वजह है कि टीवी की गर्मा गर्म बहसों में मजदूर का सवाल आखिरी क्या सवाल बन ही नहीं पाता है। और आजकल बड़ी जोरों से चर्चा है दिल्ली में स्मॉग की। स्मॉग से जब हमारा ध्यान ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग व्यस्त होंगे पद्मावती और खिलजी में, और जब इससे फुर्सत मिलेगी तब फिर हमारे पास कोई एक नया मुद्दा होगा। सवाल ये है कि ये जो एक महत्वपूर्ण श्रेणी है समाज का, इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, उस पर कोई बात क्यों नहीं होती है, क्यों इस पर कोई प्राइम टाइम नहीं हो रहा है, मजदूरों के सवाल का डीएनए नहीं किया जा रहा है, मजदूरों के सवाल पे कोई बड़ी बहस नहीं हुई है, कोई पत्रकार नहीं कह रहे हैं कि हम मजदूरों के सवाल को लेकर के, उनके न्यूनतम वेतन को लेकर के, उनके जो सामाजिक हालत हैं, आर्थिक हालत हैं, उसको लेकर के हम सवाल पूछेंगे। कोई क्यों सवाल नहीं पूछ रहा है, ये सवाल आज हमारे सामने है। इसीलिए न्यूज क्लिक के द्वारा जो यह शो है तेरी मेरी सबकी बात में, आज हम मजदूरों की बात करेंगे। अभी दिल्ली में 9 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच में मजदूरों का एक महापड़ाव चल रहा है। महापड़ाव का तात्पर्य यह है कि पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह के मजदूर, मसलन असंगठित क्षेत्र में अस्थाई नौकरी करने वाले, ठेका पे काम करने वाले मजदूर। अब ठेका की बात करते हैं तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि दिल्ली में शराब की दुकान को ठेका कहा जाता है, हम उस ठेके की बात नहीं कर रहे हैं। ठेका का मतलब वैसे मजदूर जो ठेका पर काम करते हैं, जिनको अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहते हैं, जिनकी अस्थाई नौकरी नहीं होती है, आया राम गया राम, जब मालिक का मूड किया तो रख लिया, जब मालिक का मूड ख़राब हुआ तो निकाल दिया। इसको हायर एंड फायर के सिद्धांत पे जो लोगों को काम कराया जाता है, जिनको उनके काम के हिसाब से वेतन नहीं दिया जाता है, वो मजदूर इस महापड़ाव में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर के, सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर हैं, जैसे रेलवे में काम करने वाले मजदूर, बीएसएनएल में काम करने वाले मजदूर, और जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उसमें काम करने वाले मजदूर, खदानों में काम करने वाले मजदूर, वो लोग शामिल हो रहे हैं। और तीसरे कैटेगरी के जो मजदूर हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि स्कीम के तहत जिनको काम दिया गया है, जैसे आंगनवाड़ी के केंद्रों में काम करने वाले मजदूर, आशा वर्कर के तौर पे काम करने वाले मजदूर, ये सभी तरह के मजदूर जो है बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुए हैं एक साथ। और देश की सभी प्रमुख मजदूर संगठन, लगभग 10 ट्रेड यूनियन, जो जिनको सेंट्रल ट्रेड यूनियन कहा जाता है, वो लोग मिल करके इस महापड़ाव को आयोजित किए हैं। और इनके पास जो है कुछ मुख्य डिमांड है। इन डिमांडों की यदि हम चर्चा करें तो उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड है वो ये है कि सभी मजदूरों को मिनिमम वेतन मिलना चाहिए, मिनिमम जो समर्थन सरकार के द्वारा तय की गई है कि किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन क्या हो, वो तमाम मजदूरों को मिले। और यदि इसको हम रुपए में कहें तो प्रत्येक माह जो है वो 18,000 रुपया प्रत्येक मजदूर को मिलना चाहिए। वेतन के साथ साथ जो योजनाएं हैं उसका आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो है महंगाई का सवाल। यदि महंगाई पे अंकुश नहीं लगाया जाता है और लोगों को एक तरफ 18,000 रुपया दे दिया जाएगा, तब भी उनके जीवन की दूसरी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाएगी। मसलन महंगाई को कम किया जाए, और महंगाई को कम करने के लिए सरकार को जो उपाय करना चाहिए वो उपाय सरकार करे, और महंगाई के अनुरूप ही न्यूनतम मजदूरी जो है वो तय किया जाए। किसी भी सरकारी संस्थान को पहले बीमारू कहा जाता है, बीमारू कहने कह करके उसको बदनाम किया जाता है, फिर उसको नेताजी अपने रिश्तेदारों के हाथ में या उस व्यक्ति के हाथ में बेच देते हैं जो व्यक्ति उनको इलेक्शन में फंड किए थे। और ये कई संस्थानों के साथ ऐसा हो चुका है, पिछली सरकारें भी ऐसा की हैं और मौजूदा सरकार के द्वारा भी यह किया जा रहा है। एक आंकड़ा यह है कि इस सरकार ने 2014 के बाद से जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं जिनको निजी हाथ में सौंपा गया है, उसमें जो सरकार ने धन प्राप्त किए हैं उसका पूरा जो आंकड़ा है वो ये है कि
25,000 करोड़ की सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति निजी हाथों में बेची गई है। तो इनका दूसरा डिमांड ये है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उनका विनिवेश ना किया जाए। इनका तीसरा डिमांड है कि महंगाई पर रोक लगाया जाए। और इनका चौथा डिमांड है कि इस देश के अंदर जो मजदूर हैं उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको पीडीएस सिस्टम के तहत, जिसको हम लोग कहते हैं जन वितरण प्रणाली के तहत, जो है वितरित किया जाए, ताकि मजदूर भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड का लाइफ जो है वो जी पाएँ। देश और देश की सरकार सिर्फ मुनाफे के सिद्धांत पे नहीं चल सकती है। और ठेका प्रथा और निजीकरण का जो तर्क है, वही तर्क यदि सरकार के लिए भी दिया जाए तो फिर सरकार को चुनने के ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि सरकार यदि मुनाफा कमाने के लिए है, सरकारी कंपनी यदि मुनाफा कमाने के लिए है, तो प्रधानमंत्री के चुनाव की ज़रूरत नहीं है, हमको एक बढ़िया CEO चुनना चाहिए जो CEO देश को मुनाफे की तरफ ले जाए। और मुनाफा का एक सिद्धांत ये होता है कि किसी के पेट को काट कर, किसी की मजदूरी को चुरा करके कोई मालिक जो है वो अमीर बनता है। अमीरी और गरीबी के इस खेल में अमीर तो बहुत अमीर हो रहे हैं, लेकिन गरीबों की गरीबी जो है बड़ी धीरे धीरे दूर हो रही है। सरकार के द्वारा एक सर्वे किया गया है, लेबर ब्यूरो के द्वारा, यह सरकारी संस्था है, जो ब्यूरो कह रही है कि इस देश के अंदर 57% मजदूर ऐसे हैं जिनका इनकम 10,000 से कम है। और उस 57% में से 20% मजदूर ऐसे हैं जो 5,000 से कम कमाते हैं। मतलब 5 में से एक मजदूर ऐसा है जिसका इनकम 5,000 से कम है। अब यदि देश के अंदर इतनी आर्थिक असमानता है, 5,000 रुपये से कम किसी की मासिक आमदनी है, तो आप सोचिए कि 5,000 रुपये में तो जो है एक ढंग का एंड्रॉयड मोबाइल नहीं खरीदा जा सकता है। और आज जो है दुनिया को हमको डिजिटल करनी है, डिजिटल इंडिया बनाना है, डिजिटल करेंसी हमको लानी है। मान लीजिए कि आज जब हम किसी आम नागरिक से उनके सवाल पूछते हैं तो वो किन चीज़ों पर चर्चा करते हैं? वो चर्चा करते हैं कि देश स्वच्छ होना चाहिए। देश कैसे स्वच्छ होगा? देश को स्वच्छ करने के लिए हमें सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है। कोई ऐसा इंसान हो जो गटर की सफाई कर सके, लेकिन उनकी हालत क्या है? उनको ठेके पर रखा गया है। जो साफ सफाई करने वाले लोग हैं उनको ठेके पर रखा गया है। उनके पास प्रॉपर जो है वो इक्विपमेंट नहीं है जिससे वो ठीक से साफ सफाई कर सकें। समाज का फायदा हो ये कौन सोचता है? व्यक्तिगत फायदा हो, और व्यक्तिगत फायदे की जो ये मानसिकता है वही आज हमको दिल्ली में स्मॉग जैसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब किसान भी फिर इसी तरह से सोचेगा कि उसका व्यक्तिगत फायदा हो, वो क्यों मजदूर लगा करके फसल का बचा हुआ हिस्सा उसको कटवाए, उसको जो है कंपोस्ट खाद बनाए, फिर उसका इस्तेमाल करे, इतना खर्चा वो क्यों उठाए? एक तीली मारा जल गई लंका। सरकार का मतलब होता है देश के अंदर रहने वाले सभी तरह के लोगों का पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी। इसीलिए भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया कि जो लोग निजी क्षेत्र का खर्च वहन कर सकते हैं उनके लिए वो सेक्टर अवेलेबल हो, लेकिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जो यह खर्च वहन नहीं कर सकती है। मैं समझता हूँ कि मजदूरों के सामने जो समस्याएँ हैं वो समस्याएँ हैं जिनमें ठेका प्रथा है, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचा जा रहा है, जिनमें उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, जिनमें उनकी बुनियादी सुविधाओं को शामिल नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ एक समस्या और है कि मजदूरों को आपस में असंगठित करके रखा गया है, कि एक मजदूर भी खुद को मजदूर नहीं समझता है। या आई एम वर्किंग, यस आई एम एन इंजीनियर एंड आई एम गेटिंग हैंडसम सैलरी, तो ये जो है उसमें वो मानता नहीं है कि वो मजदूर है। मजदूर मजदूर होने से पहले हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, दलित है, काला है, गोरा है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, लेकिन इन सब चीज़ के प्रति उसको गर्व होती है। लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कोई गर्व से ये कहने को तैयार नहीं है। गर्व से कहो कि हम मजदूर हैं, हम समाज की बुनियाद हैं, हम भवन का वह हिस्सा हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन भवन टिकी हुई है हमारी पीठ पे। अगर हमारी पीठ में ज़्यादा दर्द हो जाएगी तो हम पीठ झुका लेंगे, और जब हम पीठ झुका लेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। जब आप किसी बैलगाड़ी को देखेंगे उसमें यदि बैल को ठीक से खाना नहीं खिलाया जाता है तो वो पीठ झुका कर चलना शुरू कर देता है और गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। अगर हम देश की गाड़ी को भी पटरी पर चलाना चाहते हैं तो इस देश को चलाने वाले जो हमारे बिन बुनियादी तत्व हैं
उनके बुनियादी सवालों को देश का सवाल समझना पड़ेगा और देश की बात करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने मन की बात की जगह मजदूरों की बात करनी पड़ेगी।